रिया चक्रवर्ती डर गई हैं, आपके सवालों से घबरा गई हैं रिया चक्रवर्ती। वो नहीं चाहती कि रिपोर्टर्स उनके पीछे आए, वो नहीं चाहती उनसे कोई सवाल किया जाए, वो नहीं चाहती कि सोशल मीडिया में कोई भी उनके खिलाफ कुछ भी बोले, वो नहीं चाहती न्यूज़ चैनल में उनके खिलाफ एक भी खबर आए, वो नहीं चाहती सुशांत सिंह राजपूत की अब कोई खबर कहीं भी चलाई जाए। एक तरफ रिया चक्रवर्ती खुद जारी करती हैं अपनी चैट मीडिया में, तो कभी जारी करती हैं वो सुशांत सिंह राजपूत की डायरी का पन्ना ताकि मीडिया में बात फैले, लेकिन जब वही मीडिया रिया चक्रवर्ती की कोई बात बताती है या फिर उनसे जुड़ी कोई खबरें चलाती है तो वहां रिया चक्रवर्ती डर जाती हैं। इसके लिए रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दर्ज किया है। रिया चक्रवर्ती के वकील का कहना है, सतीश माने शिंदे का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले की मीडिया कवरेज पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। सुशांत सिंह राजपूत के साथ साथ रिया चक्रवर्ती की भी कोई भी खबर मीडिया में ना चलाई जाए। इतना ही नहीं, वो बहुत ज्यादा डर गई हैं जब उनकी कोई खबर मीडिया में चलती है। अब इस बात को लेकर सुशांत सिंह राजपूत के पिता के जो वकील हैं विकास सिंह, उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि मीडिया ट्रायल को रोका नहीं जा सकता। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में तो क्या, दुनिया में कहीं भी मीडिया ट्रायल को बिल्कुल रोका नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो जरा सी पाबंदी लग सकती है, लेकिन पूरी तरह से पाबंदी नहीं लग सकती मीडिया ट्रायल पर। यानी कि आप समझ सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती कितनी ज्यादा घबरा गई है। एक तरफ वो महीने भर पहले कहती थी कि सीबीआई इंक्वायरी हो, इस मामले की जांच हो, और एक तरफ वो कहती है कि सुशांत सिंह राजपूत की कोई खबर ना चलाई जाए, रिया चक्रवर्ती की खबर ना चलाई जाए। फ्रेंड्स, क्या कहेंगे आप रिया चक्रवर्ती के इस बयान के बारे में, उनकी इस एफिडेविट के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइए।